रामायण राधेश्याम वशिष्ठ कृत दशरथ प्रतिज्ञा नंबर 7। जब से भ्राताओं सहित आए राम विवाह है, रहा तभी से अवध में नितानंद उठा है। एक बार सीता सहित बैठे अपने धाम, सीता से कुछ कह रहे थे श्री रघुपति राम। बस उसी समय हरि गुण गाते श्री नारद मुनि आ गए वहाँ। सुर कार्य सिद्ध हो ये संदेश ब्रह्मा का लेकर गए वहाँ। ये देख राम उठ खड़े हुए मुनि को बैठाया आसन पर। सीता ने मन में सुख माना देवऋषि के चरण कमल धोकर। फिर हाथ जोड़ पूछा प्रभु ने कि ये कैसे आगमन हुआ। हम चरणों की रज से पवित्र है, हे देव हमारा भवन किया। स्वामी जो आपकी आज्ञा हो मैं सेवक पालन करता हूँ। वो विप्रसुरों के कारण हेतु सब प्रकार साधन करता हूँ। मुनि बोले है आपकी महिमा अगम अपार, आज तक कभी मिलस्कार नहीं किसी को पार। मैं ब्रह्मलोक में कुछ दिन तो ब्रह्मा के ध्यान में मग्न रहा, फिर किया विचार यहाँ का तो ब्रह्मा ने ये संदेश कहा। जिस कारण है अवतार लिया वो नाथ कार्य करिए जल्दी, करके श्रृंगार निश्चरों का पृथ्वी का दुख हरिए जल्दी। बोले राम मुझे तुम्हें कहो तुम समझाए, कुछ दिन में ही होगा ये कार्य सो सर पाए। ये सुनकर नारद चले राम रूप उद्धार, उधर लगा सब उसी दिन है दशरथ का दरबार। राजा ने साधारण स्वभाव दर्पण में अपना मुख देखा, तब श्रवण समीप सफेद हुए कुछ बालों को सन्मुख देखा। जैसे उत्तम सुखी जन को सोते से कोई जगाता है, जैसे ही मानो राजा को सोतेपन ही समझाता है। राजन ये सुंदर अवसर है युवराज राम को कीजिएगा, अपना जीवन और जन्म सफल इस स्वर्ण घड़ी में कीजिएगा। मेरा मेरा करते करते दिन रात टला ही जाता है, चेहरे पर रंग सफेद हुआ इस पर भी सब्र न आता है। वर्षों बीते युद्ध स्थल में वर्षों शिकार में बिता दिए, वर्षों ही राज काज देखा वर्षों ही देश को भुला दिए। अब खाक डाल सब झगड़ों कर जल्दी साधन कर मुक्ति का, वे रामचंद्र को राष्ट्रक अवसर है ये ही मुक्ति का। ये विचार उद्धार कर मुद्र पाए, प्रकट किया गुरु के निकट है राजा ने हर्षाय। जब वशिष्ठ मुनि को हुआ ये सब अंगीकार, घर आकर फिर नृपति से ने किया एक दरबार। हे सभासदों ये प्रजा गुणों ये चौथा पर मेरा आया है, अब रामचंद्र सब लायक है ये सबने ही बतलाया है। गुरु महाराज की सम्मति से मैं राजनी को देता हूँ, अनुचित और उचित विचार को मैं सबसे सम्मति लेता हूँ। महाराज है आपका उत्तम यही विचार, इस प्रकार सबने कहा पुकार पुकार। इधर सभी को हो गया समाचार मालूम, गुंजी तब सब अवध में राजतिलक की धूम। तोरण और ध्वजा पताकों से सारे घर द्वार सजाने लगे, और एक दरवाजों पर सोने के कलश चमकने लगे। फूलों के अर्क सुगंध भरे हर जगह पर छिड़के जाने लगे, अतलस मखमल के गलियों में सब कोई फर्श बिछाने लगे। हीरे मोती और मणियों के हर जगह जगह पर द्वार बने, मणियों के स्वागत के हुए दरियों में हर जो वस्त्र बने। हर जगह बजे ही नौबत थी, हर जगह मंगलाचार हुआ, हर एक जी में उमंग उठी हर मुख से जय जयकार हुआ। लेकिन स्वर्ग में देवता गण सब बैठे विघ्न मनाते हैं, लो बाजे बजे अयोध्या में ये उनको कहाँ सुहाते हैं। इंद्र साहब में खड़े हो सबों ने करो पुकार, हे शारदा माता तुम्हें विनय है बारम्बार। महारानी विद्या बुद्धि विद्या सिंहासन आके विराजो, जरा दर्श दिखाओ साहब। मात हम पे संकट आया है इस कारण है तुम्हें बुलाया है, करो कृपा जरा अवध में जाओ। रानी के कई की मत पट बल्टाओ, भरत अवध राज पावे राम बन को जावे। निश्चर असुर मार कर पति को ले उवार, इसी कारण बुलवाया महारानी ने। बुद्धि विद्या सिंहासन आके विराजो, जरा दर्श दिखाओ। प्रकट हुई बाणी तभी हर्षासुर समझाए, मम इच्छा सब सुरों ने कह डाली पुलकाय। उस समय हृदय में हर्षमान वाणी को सुपुर में आई, भौरा के मंथरा के कई की दासी थी, पल में उसकी मति पलटाई। जब रामचंद्र का तिलक सुना तब लगी आग उसके बदन में,
जड़ बन गई दम्बर में, उस फूले फूले हरे वन में। पहले खड़ी रही ये मैं कुटिया ने नींद त्रेन लिए, फिर राज महल में जा पहुंची सिर के सब बाल बिखे लिए। कहा के कहीं ने तभी दासी क्या है हाल, आज बहुत खुशहाल है तू क्यों हुई बेहाल। बोली रघुवर को छोड़ आज रानी है और कुशल किसको, श्री महाराज कल प्रातः काल युवराज बनाएंगे जिसको। किस घमंड में तुम सोती हो, कुछ खबर नहीं क्या होता है, खुल गए भाग्य को सल्या के उस पर अनुकूल विधाता है। राजा ने कैसा कपट किया क्या तुम्हें नहीं दिखलाता है, आपके दुर्दिन आ गए हैं कुछ प्रतीत ऐसा होता है। तुम कहती थी राजा दशरथ मेरे ही बस में रहते हैं, मेरे इस पुत्र भरत को भी निज राज द्वारा कहते हैं। अब कहाँ गई वह प्रेम प्रीति अधिकार जो उसका लेते हैं, ने लिया भरत का नाम तक और राज्य राम को देते हैं। तभी मंथरा ने कही ऐसी बात बनाए, तभी के कई तलक कर कहने लगी रिसाई, चल निकल मौन हो जाए दुष्ट, किसने ये सबक पढ़ाया है, घर में ही फूटक लाती है, ये किसने तुझे सिखाया है। इस खुशखबरी को सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ बार बार, कल रात को होगा तो ये मोतिन का हार ले दासी तू। रानी जो देने लगी दासी को जब माल, दासी तब कहने लगी कहाँ तुम्हारा ख्याल, ये माला तुमको बनी रहे मुझको इसकी परवाह नहीं, रानी जी पूछ राम की है और भरत की दिखे चाह नहीं। हो पुत्र तुम्हारा ही राजा ये वचन शाह ने तुम्हें दिया, अब उसी वचन से फिरा हो तुमने ही कुछ नहीं ध्यान दिया। देखो चाला की राजा की ये कपट हमेशा रखते हैं, मैंने छाल में भेजे भरत लाल पीछे मन चाही करते हैं। ऐसा ही हो कहा वह उत्सव हर शहर में नौत भिजवाए, और दोनों राजकुमारों को कोई खबर तलक नहीं पहुँचा है। रानी बोली कुबरी मुँह को जरा संभाल, इसको मुझको क्या पड़ी कुछ भी करे नेपाल। क्यों मुझको श्री राम तो श्री राम भरत दोनों ही एक बराबर है, जो राम की ओर देखती हूँ भरत भी कुछ बढ़कर है कोमल राम स्वभाव बहुत कौशल्या हम सब माता है, फिर भी मुझसे है प्रेम अधिक कर देखी खूब परीक्षा है। दासी बोली क्रोध क्यों करती हो बेकार, भली करे भला लागे बुरा देखो खूब विचार, दोनों में कोई राजा हो क्या मुझे लाभ और हानि है, ये दासी तो दासी ही है हो सकती कभी नरानी है, था मुझे भरत से प्रेम बोध इसलिए ये बात विचारी है, अब मान चाहो मत मानो इसमें बस खुशी तुम्हारी है। रानी जी सुनो तुम्हारी और कौशल्या जी की ये बाजी है, दोनों में वही जीतेगी जिस पर परमेश्वर राजी है, जो पुत्र समेत करो सेवा तो घर पर रहने पाओगी, जो कोई यत्न नहीं सोचा तो तुम पीछे पछताओगी। धिक्कार है ऐसे जीवन पर रानी से दासी कहलाना, जब मान नहीं है दुनिया में तो बेहतर है मर जाना। आखिर दासी कहे का आन पड़ा प्रभाव, पल में बरटा की कही का वह सकल स्वभाव।